आएगा महामहिम के आदेश के इंतजार में। इससे पहले तो इतनी चर्चा नहीं होती थी। आपके सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से जो खबरें चला रहे हैं उसकी पुष्टि हम चाहते हैं, और इसलिए बार बार आकर के मिल रहे हैं कि कोई खबर आई क्या, महामहिम जी ने कोई आदेश दिया है क्या, ECI ने कोई भेजी है क्या, कोई चिट्ठी दी है, इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग दो दिन तक लगातार चलाते रहे और आज भी कोई, अभी तक राजभवन ने ना इस बात का कोई आदेश दिया, ना ECI इस बात को स्वीकार रही है कि उन्होंने क्या किया है। अरे जब करना ही है तो खुल के कीजिए, जो संविधान सम्मत बात है। अगर कोई कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, अगर कोई सही काम करना है तो सही तरीके से कर दीजिए और बता दीजिए, आप लोगों को पुष्टि करा दीजिए। ठाकुर जी, लग रहा है ये देरी सही नहीं है, स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो जितने हमारे महामहिम सधे हुए लोग हैं और जितना वो राज्य के प्रति चिंतित रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द, उनको अगर कोई सूचना आ गई है जैसा आप लोग बताते हैं तो देनी चाहिए, नहीं तो खंडन करना चाहिए कि नहीं इस तरह की खबरें, गलत खबरें चल रही हैं। कल कुछ होगा, हमको तो आज ही की उम्मीद थी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से दो दिन से चला रहे थे, हमें लगा कि आपकी बात को मानते ही वह कम से कम कुछ निर्णय ले लें। मीडिया को फॉलो कर रही है? नहीं, सरकार मीडिया को फॉलो नहीं कर रही है। मीडिया जिस तरह से सरकार को फॉलो कर रही है तो निश्चित रूप से आपके सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में। चलिए, बैठक हुई, क्या कुछ हुआ अभी? महामहिम राज्यपाल महोदय का क्या डायरेक्शन आएगा उस पर फिर विचार होगा, अभी कोई विचार नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हाजिरी लगाई जा रही है सुबह शाम? हाजिरी की कोई बात नहीं है, हमारे नेता जो हैं, नेता सदन हैं, उनके यहाँ तो आना जाना लगा रहे। डिनर डिप्लोमेसी हुई सर? कोई डिनर डिप्लोमेसी और ये सब की बात नहीं। मंत्री जी क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या आता है राजभवन के तरफ से निर्देश, जो निर्देश आएगा उसके बाद हम लोग अपनी काम करेंगे। कुछ तो संभावनाओं पर भी चर्चा नहीं? देखिए, राजनीति ऐसे कोई संभावना की कोई बात नहीं है। देखिए, जो भी होगा वो चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑर्डर आया है या फिर उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में आगे कार्रवाई होगी। इसलिए संभावना के आधार पर तो कुछ ऑफिशियली कहना बहुत मुश्किल है। ये कोई बात की बात नहीं है। देखिए, हम सीधे तौर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, थे और रहेंगे। जो भी निर्णय होगा आप लोग को बता देंगे। पॉलिटिक्स में कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल पे चर्चा होती है, उसको ऑफिशियल बनाया जाता है। नहीं नहीं, जो बातें अभी तक चल रही है कि कुछ बंद लिफाफे में जो चीज है वो अब बाहर आई है, वो बकायदा तरीके से वो हमारे पास पहुंच जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। वो लोहे का लिफाफा तो नहीं होगा, इतना तो आप मानते हैं? देखिए, शब्दों में बहुत वजन होता है, लोहे का लिफाफा नहीं लेकिन शब्दों में बहुत वजन होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए कि विजय जी को हेमंत जी का चेहरा पसंद है, दूसरा चेहरा कौन सबसे अच्छा पसंद है? देखिए, एक सीधी सी बात है कि मैंने शुरू से कहा है कि हेमंत दा ही मुख्यमंत्री रहेंगे और इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in